सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कैंप में 325 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य की जांच। सोनीपत के भगवान दास अस्पताल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 325 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान शिविर में रोगियों का निशुल्क ECG, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जैसे टेस्ट फ्री में किए गए। इसके साथ साथ मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इसके अलावा इको TMT के टेस्ट पर मरीजों को 25% की रियायत दी गई। 6,000 रुपए में कोरोनरी एंजियोग्राफी का टेस्ट किया गया। हृदय रोगियों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ज्वाइंट स्पेशलिस्ट, गायकोनोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट और फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञों की टीम द्वारा मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर नरेश पमनानी का कहना है कि कई बार देखने में आता है कि गरीब इंसान बीमार होने पर अपना सही से इलाज नहीं करवा पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कैंप का आयोजन किया। हमारी कोशिश रहेगी कि पैसे के अभाव में कोई मरीज बिना इलाज के ना रहे और बीमार होने पर अपना सही ढंग से इलाज करवाए। इस प्रकार के कैंप वो आगे भी आयोजित करते रहेंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज भगवान दास हॉस्पिटल ओमेक्सी सिटी सोनीपत में कैंप लगाया गया, जिसमें 325 से ऊपर लोगों ने भाग लिया और इन सबका फ्री शुगर, फ्री ECG, फ्री मेडिकल चेकअप किया गया और कई लोगों की एंजियोग्राफी भी की गई डिस्काउंट रेट पर। कई लोगों का इको और बाकी ब्लड टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर साहब, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जनता को यही बताना है कि एक तो इस कैंप में कम से कम रेट पर हम कम कीमत पे इलाज करना चाहते हैं। जितने ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन है, जनरल ऑपरेशन है, हार्ट का ट्रीटमेंट है, पैरालिसिस है, ICU है, सबका इलाज कम कीमत पर होगा। केवल आज ही नहीं, भविष्य में भी कम कीमत पर होगा और सारे तरह के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और सब लोग इमरजेंसी में 24 घंटे आके अपना इलाज करा सकते हैं।